बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आलिफीन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें आपने फाइंड आउट करना है एंगल ए और एंगल बी फॉर द रेगुलर पेंटागॉन। अच्छा, पहले ये जो रेगुलर है इसको समझ लें। रेगुलर का मतलब होता है तमाम साइड सेम है। ये जो आपको शेप दी हुई है इसकी तमाम जो साइड्स हैं वो सेम है। अच्छा, अब जो आपने एंगल ए और बी निकालना है, इसमें भी ये समझ लें, ये जो एंगल ए है ये एक्सटीरियर एंगल है और ये जो एंगल अंदर की तरफ है इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको शुरू करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने देखनी है इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। देखें कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सबसे पहले हम निकालेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपने एंगल बी निकालना है। अब एंगल बी निकालने के लिए आपको पहले टोटल जो सम ऑफ एंगल्स है इस शेप का, इस रेगुलर पेंटागॉन का, वो पता होना ज़रूरी है। तो किसी भी शेप के जो भी आपको पॉलीगॉन दी गई होगी, पॉलीगॉन होता है मैनी साइडेड शेप, जो भी पॉलीगॉन, ये भी एक पॉलीगॉन है, आपने सबसे पहले इनका सम ऑफ एंगल निकालना है। वो कैसे निकालते हैं हम, आप लिखेंगे एन माइनस टू और टाइम्स 180। ओके, अब आप देखें n का मतलब होता है नंबर ऑफ एंगल, कितने थे 5, तो 5 माइनस 2 टाइम्स 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। यानी कि अगर हम इन तमाम एंगल को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 540। अब 540 को मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ साइड्स के साथ। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके पास, 5। ओके, तो जब आप 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 5, 108। ये आपके पास आ गया 108। ओके, अब इसका मतलब ये है, ये जो अंदर एंगल बी है ये आपके पास आ गया 108। ओके, अब आपने एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो जो कि एक्सटीरियर एंगल है। अब आप जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो 180 का। अब आप क्या करेंगे, 180 माइनस, ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये जो एंगल ए है ये आपके पास आ जाएगा 72 डिग्री। तो एंगल ए आपके पास आ गया 72 डिग्री और एंगल बी आपके पास आ गया 108। ठीक है, और टोटल आपके पास 180 बन भी गया। So thank you so much guys for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah, next video gonna solve next question. Till then, take care of yourself. Allah nikeban.